Hello dear students, welcome to your college life. Myself Dr. Sangeeta Meel. मैं आप लोगों की जुलॉजी की टीचर हूँ. आई थिंक जुलॉजी के कई सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे अभी तक. तो मैं आपके जुलॉजी का थर्ड पेपर ले रही हूँगी. इससे पहले कि हम जुलॉजी का जो पर्टिकुलर पेपर मैं लेने वाली हूँ उसके बारे में बात करें, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा जुलॉजी का ओवरऑल सिलेबस देख लें एक बार, ताकि आप लोगों के माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो कि आपका फर्स्ट ईयर का जो जुलॉजी का सिलेबस है किस तरह का है, कौन कौन से पेपर्स रहेंगे और एग्ज़ाम कैसे होगा. तो अगर अपन बात करें तो आपका जो पूरा जुलॉजी का पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा. 150 नंबर का आपका टोटल जूलॉजी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा. उसमें से 100 मार्क्स के तो थ्योरी के पेपर्स होंगे और 50 मार्क्स का होगा आपके प्रैक्टिकल. ये जो 100 मार्क्स का जो सिलेबस है थ्योरी का, इसको फिर तीन पेपर्स में डिवाइड किया गया है. पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड. पेपर फर्स्ट में से 33 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में से भी 33 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड पेपर थर्ड का जो सिलेबस है उसमें से 34 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम होता है एनिमल डाइवर्सिटी, सेकंड पेपर जो है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, एंड जो थर्ड पेपर है वो है गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी. मैं आप लोगों का थर्ड पेपर ले रही हूँगी. आगे से इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस पेपर के बारे में बात करेंगे. जैसे कि एक सब्जेक्ट के तीन पेपर्स हो गए हैं तो तीन ही उसके एग्ज़ाम में भी पेपर होंगे, यानी तीन दिन आपके जूलॉजी के एग्ज़ाम चलेंगे. स्कूल से थोड़ा अलग होता है कॉलेज में. तो हर एक जो पेपर है, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करो, चाहे सेकंड की बात करो और चाहे पेपर थर्ड की बात करो, हर पेपर का जो सिलेबस है उसको तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, तीन सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है. जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस क्वेश्चन पेपर में, अगर एग्ज़ाम नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं अदर देन कोविड, जैसे इस साल ऐसा नहीं हो रहा, पर अदरवाइज रूटीन में आपका जो हर क्वेश्चन पेपर होगा, जूलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेगा. हर स्टूडेंट के लिए करना अनिवार्य है. और इस पेपर में, इस क्वेश्चन में सॉरी, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे. टिप्पणी लिखो या एकदम शॉर्ट में आंसर दो. टिप्पणी इन द सेंस डेफिनेशन या वन वर्ड टाइप के, या फिर ए फ्यू वर्ड्स में, 5-10 शब्दों में जिनके आंसर हो जाएं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे. जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है उनका जब एग्ज़ाम होगा तो उन दोनों ही एग्ज़ाम्स में फर्स्ट क्वेश्चन में नो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे. कितने होंगे? नो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन दो पेपर्स में. और जब पेपर थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे. यहीं पे इन तीनों पेपर्स में एक नंबर का डिफरेंस होता है. फिर आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का सीन ये होता है कि हर सेक्शन में से, पूरे सिलेबस को तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया था ना, तो हर सेक्शन में से तीन क्वेश्चन आते हैं. सेक्शन ए में भी तीन क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में भी तीन क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन सी में भी तीन क्वेश्चन आएंगे. एग्ज़ाम में आपको हर सेक्शन से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है. तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 1 कंपलसरी क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन हर सेक्शन से हो गए.
प्लस आपको एक और क्वेश्चन करना होता है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने होते हैं। ये जो 5th क्वेश्चन है ये आप तीनों सेक्शंस में से कहीं से भी कर सकते हो। जो बचे हुए दो दो क्वेश्चन हैं हर सेक्शन में, उनमें से जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। अब हम बात करते हैं जूलॉजी के पेपर 3rd की, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसका नाम है गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखो बच्चों, हिंदी में बता देती हूँ पहले, युग्मक और परिवर्धन जैविकी, यानी कि आप इसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और कुछ पोस्ट बर्थ जो चेंजेस होते हैं, स्पेशली एजिंग वगैरह, वो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पेपर में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी दुनिया में जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी सजीव हैं, अमर कोई नहीं है। लेकिन प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि हर जीव का अस्तित्व इस दुनिया में बना रहे, और उस अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रकृति ने सभी सजीवों को जनन करने की क्षमता दी है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी दी है, ताकि हर जीव की जो संततियां हैं वो अस्तित्व में बनी रहें। क्योंकि दुनिया में सब जीवों के लिए कंडीशंस जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, किसी के लिए कंडीशंस अनुकूल होती हैं, किसी के लिए प्रतिकूल होती हैं। तो कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिनके ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है अलग अलग परिस्थितियों की वजह से। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें मृत्यु दर ज़्यादा रहती है, जिनमें सर्वाइवल का पॉसिबिलिटी कम होती है, उनको प्रकृति ने हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन दी है, जनन दर उच्च दी है। और जिन प्रजातियों में, जिन स्पीसीज में सर्वाइवल ठीक ठाक होता है, उनकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन नॉर्मल होती है। इस तरह के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स नेचर ने सजीवों को दिए हैं। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रकृति ने दो तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस दुनिया में अस्तित्व में लाके रखे हैं। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कॉलेज में थोड़े दिन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट लेटर ऑन आप लोगों को भी आसान लगने लग जाएगा। बस आप लोग लगातार क्लासेस के साथ बने रहिए जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तब तक इसको एक बार आप भूल जाइए, अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें केवल एक ही पेरेंट भाग लेता है, केवल एक ही जनक भाग लेता है। और इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नाम ही एसेक्सुअल, अलैंगिक, तो किसी भी तरह का युग्मकों का निर्माण यहाँ पे देखा नहीं जाता है, गैमीट्स नहीं बनते। जब गैमीट्स ही नहीं बनेंगे तो मियोसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनमें मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। फिर बात आती है कि जब गैमीट ही नहीं बन रहे हैं तो फिर निषेचन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, फर्टिलाइजेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है, किसी भी तरह के युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस एब्सेंट रहता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट भाग ले सकता है, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कोई बड फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर वो
फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे आपने हाइड्रा का एग्जांपल सुना होगा कि हाइड्रा में से अगर आपने कट लगा दिया तो एक और हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। अमीबा का सुना होगा कि उसकी बॉडी का थोड़ा सा भी पार्ट अगर चला जाता है तो वो नया अमीबा बना लेता है, इस कारण उसको इमोर्टल कहा गया था, ठीक है। तो इसमें जब ऑर्गेनिज्म बनेगा, जब मियोसिस नहीं हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है, गैमेट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा एक ही पेरेंट से बन रहा है तो वो अपने पेरेंट की डिक्टो कॉपी होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। और इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जीव का वो हिस्सा जो कि जनन में भाग लेता है उसको कहते हैं ब्लास्टेमा, और ब्लास्टेमा से जो बनने वाले जो यंग वंस होते हैं उन यंग वंस को कहते हैं ब्लास्टोजुइट्स, और ब्लास्टेमा से ब्लास्टोजुइड बनने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम ब्लास्टोजिनेसिस। क्या हुआ, ब्लास्टेमा होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाला जो हिस्सा होता है वो होता है ब्लास्टेमा, ब्लास्टेमा से ब्लास्टोजिनेसिस की क्रिया के द्वारा ब्लास्टोजुइड्स का निर्माण होता है, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, और फिर इनका परिवर्धन होके ये क्या बना देते हैं, अपने पेरेंट के जैसा ही नया जीव बना देते हैं। चूंकि गैमेट्स का मिक्सिंग नहीं हुई और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ, तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे होंगी। एक तो जो बनने वाला जीव है वो अपने पेरेंट्स की हम बात कर चुके हैं, डिट्टो कॉपी होगा, और दूसरा कॉपी होगा इसका मतलब क्या है, उसमें किसी भी तरह की जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी, अनुवंशिक जो विभिन्नताएं होती हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो बात हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पर हमारे पास एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है, ठीक है। इन पेरेंट्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। मेल पेरेंट में मेल गैमिट बनेगा जिसे स्पर्म कहते हैं, और फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमिट बनेगा जिसे ओवम कहते हैं। दो तरह के गैमिट्स बन गए, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। चूंकि ये जो पेरेंट्स हैं ये डिप्लोइड होते हैं, 2n होते हैं, और इनसे जो बनने वाले गैमिट्स हैं वो हैप्लोइड होते हैं, तो गैमिट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्र विभाजन होता है, और बाद में ये दोनों गैमेट्स मिक्स होते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है फर्टिलाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मेल गैमिट सॉरी मेल पेरेंट डिप्लोइड, फीमेल पेरेंट डिप्लोइड, इनमें मियोसिस का प्रोसेस हुआ यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और उससे इधर बन गया मेल गैमेट स्पर्म, और ये बन गया फीमेल गैमेट ओवम। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है, इसलिए 2n पेरेंट से बनने वाले गैमेट कैसे हैं, n हैप्लोइड, डिप्लोइड पेरेंट से हैप्लोइड गैमेट्स बन गए हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने से एक हैप्लोइड गैमेट दूसरे हैप्लोइड गैमेट से फ्यूज होगा तो वापस एक डिप्लोइड सेल बन जाती है, एक कोशिका बन जाती है जिसको जाइगोट कहते हैं, और इस जाइगोट में फिर फर्दर डेवलपमेंट होने से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हुए हैं, वन इज मियोसिस एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन या मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोसेस, इन दो कारणों से जो नए बनने वाला जीव है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन की वजह से हमें जेनेटिक वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं,
आप लोगों ने पहले क्रॉसिंग ओवर वगैरह के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो सर आपको जगबीर सर पढ़ाएंगे, उसमें आएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आनुवंशिक विभिन्नताएं क्रिएट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, वन इज़ गैमीट, युग्मक, एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट, ठीक है, परिवर्तन। अगर गैमीट्स की बात की जाए तो बात आती है कि मेल और फीमेल पेरेंट में गैमीट्स बने कैसे, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। मेल गैमीट बनने का जो प्रोसेस मेल पेरेंट में चलता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो कैसे होता है, कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, और जो फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमीट यानी कि ओवम बनने का प्रोसेस होता है उसको ऊजेनेसिस कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से डिविजन्स होते हैं और कौन कौन से परिवर्धन की अवस्थाएँ होती हैं, इन बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इन गैमिट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है और गैमिट्स की मिक्सिंग का जो प्रोसेस है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, वो कैसे होता है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू गैमिट्स। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाता है तो उस जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। एक कोशिकीय जो जायगोट है उससे बहुकोशिकीय जीव का निर्माण कैसे होता है, ये बात हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट होता है दो तरह का, एक होता है जन्म से पहले का जिसको हम कहते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट, जन्म से पहले का विकास, एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव का बन जाना। दूसरा होता है पोस्टनेटल डेवलपमेंट, एक छोटे से बच्चे से एक युवा का बनना और एक युवा का फिर एक वृद्ध में तब्दील होना, ये जितने चेंजेस होते हैं ये सारे पढ़े जाते हैं पोस्टनेटल डेवलपमेंट में। जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है उसकी स्टडी साइंस के एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर की जाती है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। अगर आप एम्ब्रियोलॉजी वर्ड को देखो तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज एम्ब्रियो एंड सेकेंड इज लोगोस, लैटिन भाषा का शब्द है जिस या फिर लॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि साइंस की वो ब्रांच वो शाखा जिसमें एम्ब्रियो को स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान या फिर भ्रौणिकी भी आपको कहीं पढ़ने को मिल सकता है। सबसे पहले वो साइंटिस्ट जिसने की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में या भ्रौणिकी के बारे में सबसे सटीक और सही जानकारियाँ दी, बात हो रही है उस ज़माने की जब साइंस में कोई ख़ास तरक्की नहीं थी, लोगों के अलग अलग बिलीफ्स थे, उनका नाम है एरिस्टोटल, अरस्तु। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सटीक जानकारियां साझा की थी, इस कारण इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, दिस इज एरिस्टोटल। और ये सॉरी ईशा से भी 384 से 322 साल पहले हुए थे, इतना पुरानी बात यह है जब इन्होंने बहुत सटीक जानकारियां एम्ब्रियोलॉजी के बारे में उस ज़माने में कह दी थी जबकि हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट भी नहीं थे। इन साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रौणिकी के पिता किसे कहा जाता है, आंसर होगा एरिस्टोटल। फिर इनके बहुत वर्षों बाद, कई सैकड़ों वर्षों बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं वॉन बेयर, उन्होंने कुछ और अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी क्योंकि तब तक साइंस ने काफ़ी विकास कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी और इस कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, वॉन बेयर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। ये अभी रिसेंट में हुए हैं, कुछ 200-300 साल पहले ही
1792 से 1876 में इनका जीवन काल है। अगली बात आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सब्जेक्ट है जिसका स्टडी एरिया बहुत वास्ट है। इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के संपूर्ण जीवन काल का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण जीवन काल का मतलब है कि एक कोशिका से मिलके एक नए जीव का बनना और उसके जन्म से लेके उसका यंग एज में पर जाना और यंग से वापस बुढ़ापे की ओर अग्रसर होना, इन सारे परिवर्तनों को प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों तरह के परिवर्तनों को विज्ञान की जिस शाखा के तहत पढ़ा जाता है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी। चूँकि एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव का बनना और एक नन्हे शिशु से एक जवान व्यक्ति का बनना, ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। तो भ्रूण डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम प्रोग्रेसिव चेंजेस को पढ़ते हैं, किंतु एक यंग से वापस एक वृद्ध का बनना, ये सारे कैसे हैं? डीजनरेटिव चेंजेस। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप डीजनरेटिव चेंजेस को भी पढ़ते हो। तो आप प्रीनेटल और पोस्टनेटल, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात दोनों प्रावस्थाओं का अध्ययन करते हो, और जो प्रोग्रेसिव और जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं दोनों चेंजेस का स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम करते हैं। चूँकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले बात आती है प्रीनेटल डेवलपमेंट की, और प्रीनेटल डेवलपमेंट को जो है हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, और एम्ब्रियोलॉजी में एक भ्रूण के निर्माण का जो प्रोसेस है उसको हम पढ़ते हैं, और भ्रूण निर्माण के प्रोसेस का नाम होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का बनना है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम पढ़ने वाले हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी फेजेस आती हैं। तो सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहली फेज होती है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का बनना ओजेनेसिस। फिर इन गैमीट्स के फ्यूज़न का प्रोसेस होता है, मिलने का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दो अगुणित कोशिकाओं, दो हैप्लोइड सेल्स से मिलके एक डिप्लोइड सेल बनती है। फिर इस एक कोशिका से बनती हैं बहुत सारी कोशिकाएं, यानी इस सिंगल सेल में फिर डिवीजन होना शुरू होते हैं जिनको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन्स। और जायगोट में होने वाले माइटोटिक डिवीजन्स थोड़े स्पेशल होते हैं, इस कारण उनका नाम भी स्पेशल पड़ जाता है, और उनको कहते हैं हम क्लीवेज। और क्लीवेज के द्वारा एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको मोरूला कहते हैं। ये जो मोरूला है ये एकदम सॉलिड होता है, ठोस, ठोस इन द सेंस जैसे आप मान लो एप्पल, और आपने एप्पल को अपने हाथ में पकड़ के और उसके बहुत सारे क्यूब्स काट दिए हैं, उसके पीसेस कर दिए हैं बहुत सारे। सपोज एक एप्पल के आपने कट लगा लगा के अलग अलग एंगल से और 50 टुकड़े कर दिए हैं, और वो 50 टुकड़े आपने एक साथ पकड़ के रखे हैं तो वो अभी भी सॉलिड है, बट उसमें बहुत सारे सेक्शन बना दिया आपने। ऐसा होता है मोरूला। और अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो जैसे कि आपने शहतूत देखा है, शहतूत का फल मोरस अल्बा, उसके ऊपर क्या होते हैं छोटे छोटे दाने 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 आपको नज़र आते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही मोरूला नज़र आता है। तो उसके अकॉर्डिंग मोरस अल्बा को ध्यान में रखते हुए इसका नाम मोरूला रख दिया। फिर इस मोरूला की जो सेल्स होती हैं वो अपने बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं, गुहा का निर्माण करना शुरू कर देती हैं, और सेल्स पेरिफ्री पे आ जाती हैं, परिधि पे आ जाती हैं, और बीच में बन जाती है कैविटी। ये जो नई स्ट्रक्चर बनती है इसको कहते हैं ब्लास्टूला। इसके बनने के प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टुलेशन, और जो अंदर कैविटी बन गई है उसको कहते हैं ब्लास्टोसील, और जो सेल्स जो पेरिफ्री पे अरेंज हो गई हैं उनको कहते हैं ब्लास्टोडर्म।
इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे कि आपने देखा है फुटबॉल समझ लो, चलो फुटबॉल, फुटबॉल के चारों तरफ एक कवर है और बीच में हवा भरी हुई है, ठीक है। तो वो जो फुटबॉल की जो कवरिंग है दैट इज़ लाइक ब्लास्टोडम, ठीक है। और बीच में जो खाली जगह भरी हुई है जिसमें हवा भरी हुई है वो समझ लो आप ब्लास्टो सील। तो ये हो गया ब्लास्टूला। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस का जो चौथा स्टेज आता है वो है, सॉरी, वो है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लास्टूला की जो सेल्स हैं वो अपने आप को, क्योंकि ब्लास्टूला क्या है, सिंगल लेयर्ड है, एक स्तरीय है, और गैस्ट्रुला जो होता है वो मल्टीपल लेयर्ड होता है, एटलीस्ट टू लेयर्स दो उसमें होती ही हैं, बाद में थ्री लेयर्स भी बन जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ब्लास्टूला की सेल्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करती हैं, और रीअरेंज करके वो एक डबल लेयर्ड या फिर ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो होता कैसे ये प्रोसेस कि देखिए आप लोग, जैसे ये ब्लास्टूला है, इस ब्लास्टूला पे अगर मैं इधर से उंगली से पुश करूं इस तरह से, तो इसकी सेल्स अंदर फोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, और अगर मैं अपनी फिंगर से पुश करती ही जाऊं तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपके हाथ में एक बलून है छोटा फूला हुआ, और उस बलून में मैं आपको कहूँ, बलून जो है वो सिंगल लेयर्ड है अभी, उसके बीच में हवा भरी हुई है। अब मैं कहूँ कि बलून में एक उंगली घुसा हुआ, आप उंगली से उसमें पुश करो, तो बलून की जो लेयर जहाँ पे आपने उंगली से पुश करना शुरू किया वो अंदर जाना शुरू हो जाएगी, और सिंगल लेयर्ड बलून कैसा हो जाएगा, डबल लेयर्ड। ये एग्जैक्टली वैसा ही हो गया, डबल लेयर्ड, ठीक है। जो यहाँ ब्लास्टोसील थी, ये ब्लास्टोसील तो हो गई धीरे धीरे डिजनरेट, और यहाँ पे ये जहाँ पे आपने उंगली घुसाई थी वहाँ पे एक नई कैविटी बन गई। इस नई कैविटी को हम कहते हैं आर्केंड्रोन कैविटी, आर्केंड्रोन कैविटी कहते हैं नई कैविटी को, ठीक है। और इसका जो माउथ होता है, गैस्ट्रुला का जो आर्केंड्रोन कैविटी का माउथ होता है उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ब्लास्टोपोर इज सीन इन, ऑप्शंस आ जाएंगे ब्लास्टूला, गैस्ट्रुला, मोरूला, ऑल, कुछ भी आ सकता है। आंसर क्या होगा, गैस्ट्रुला में आप क्या देखते हो, ब्लास्टोपोर। जो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर गैस्ट्रुला बन गई है, उस डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में जो बाहर वाली लेयर होती है वो तो एज एन एक्टोडर्म बिहेव करती है, और जो अंदर वाली लेयर है वो होती है एंडोमीजोडर्म। आपने पढ़ा होगा ना जीव में तीन बॉडी लेयर्स पाई जाती हैं, तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म तो बाहर वाली है, और एक हो गई आपके पास एंडोमीजोडर्म। इस एंडोमीजोडर्म से बाद में एक बन जाती है एंडोडर्म, और दूसरी एक और बन जाती है मीजोडर्म। तो इस तरह से टू लेयर्ड गैस्ट्रुला बाद में थ्री लेयर्ड गैस्ट्रुला में बदल जाता है। फिर फोर्थ फेज में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। देन होता है जब ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर साइज में ग्रोथ होती है। ये सब एम्ब्रियोनिक पीरियड की बातें चल रही हैं। तो फिर भ्रूण अपने साइज में वृद्धि करता है, फिर उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन होना शुरू होता है, वो अपने स्पीसीज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंशिएट होना शुरू होता है। फिर उसमें होता है मॉर्फोजेनेसिस, यानी अपने पेरेंट के जैसा दिखना शुरू होता है वो, जिस भी स्पीसीज का है, ह्यूमन का एम्ब्रियो है तो वो ह्यूमन जैसे शेप में मॉर्फोलॉजी में आना शुरू हो जाता है। अगर किसी बर्ड का एम्ब्रियो है तो वो उस बर्ड के जैसे मॉर्फोलॉजी शो करना शुरू कर देता है, और इस तरह से भ्रूण का विकास पूर्ण हो जाता है उन जीवों में जिनमें कि पूर्ण विकसित बच्चे पैदा होते हैं। कुछ जीवों में अपूर्ण विकसित बच्चे भी पैदा होते हैं जिनका कुछ विकास
जन्म के बाद होता है और उस प्रोसेस का नाम होता है मेटामॉर्फोसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो टोटल प्रोसेस है उसको आपने 9 स्टेजेस में पढ़ा है। गैमेटोजेनेसिस, देन आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, देन क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। ये है आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्लास होगी या जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जब साइंस ने बहुत तरक्की नहीं की थी तब जीवों के निर्माण के बारे में, कि नया जीव कैसे बनता, अलग अलग हाइपोथेसिस लोगों ने दी थी। तो वो कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं जो कि अस्तित्व में आई, उनमें से कुछ रिजेक्ट हो गई, कुछ फिर भी कायम रही, उन सब चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।